हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो में आपको बताए थे ऐसा सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फिफ्थ। इस वाले वीडियो में आपको बताते हैं एक्सरसाइज सिक्स का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस एज यूजिंग डेसिमल। तो एक्सप्रेस एज किस में ग्राम करना, ग्राम में आपको बदलना है। क्वेश्चन आपका मिलीग्राम में दिया है, क्वेश्चन किस में दिया है, मिलीग्राम में। 18 मिलीग्राम। तो आपको पहले बताते हैं मेजरमेंट। तो 1 kg इक्वल टू था 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है। उसी प्रकार से 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम होता है। इट्स ओके। तो आपका पहला क्वेश्चन है 18 मिलीग्राम 18/1000 करेंगे तो 0.018 ग्राम। इट्स ओके। सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 18 ग्राम + 12 मिलीग्राम। तो 18 ग्राम + 12 मिलीग्राम को लिख सकते हैं 12/1000 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक। डिवाइड करें 0.012 आएगा। तो 0.12 में 18 ऐड करेंगे तो 18.012 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ की बात करते हैं तो ग्राम को आप हटा देते हैं। अब 1 किलोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1000 किलोग्राम। तो पहला है क्वेश्चन आपका बताते हैं 7 का। तो 7 का पहला क्वेश्चन आपका है 690 ग्राम। 7 का फर्स्ट आपका है 690 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 690/1000 इक्वल टू 0.690 किलोग्राम। इसी का अब आपको थर्ड बताते हैं। थर्ड की बात है 2790 ग्राम, मीन 2790 ग्राम। तो डिवाइड करते हैं 2790 ग्राम को किलोग्राम में डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोग्राम में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.790 किलोग्राम। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का थर्ड आपको बताते हैं आपको। तो 7 का 7 23 किलोग्राम 179 ग्राम। इसे लिखें 23 + 179/1000। ये हो जाएगा 23 + 0.179। ये हो जाएगा 23.179 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या कर रहा है, एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल। तो फर्स्ट आपका है 5 ml एज लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 ml इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। तो 5 ml की बात करता है, 8 का फर्स्ट है, 5 ml की बात कर रहा है। तो 5/1000 इक्वल टू 0.005 कितना हो जाएगा आपका, ये लीटर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको, 19 किलोलीटर। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 किलोलीटर। तो 19 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू होता है, सॉरी 1 किलोलीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलो लीटर।
तो ये हो जाएगा 19 अपान 1000 इक्वल टू 0.019, डिवाइड कर लेते हैं 19 को 1000 से, डेसिमल वन प्लेस एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर वन टाइम ले जाएंगे, 1000 हो जाएगा, 9 बचेगा, 900 टोटल हो जाएगा ये, तो जीरो यहाँ डेसिमल लगाया है, जीरो बढ़ जाएगा, 9 टाइम ले जाएंगे, ये हो जाएगा 9000 हो जाएगा, इट्स ओके। तो ये आपका हो जाए 0.019 किलो लीटर, इट्स ओके। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, शुभ दिन।